स्टूडेंट क्लास 10th में है तो जरूर ये सवाल देखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और देख लेंगे, अगर पूछी नहीं गई तो इसमें के आपके दूसरे सवाल पूछ जाएंगे, परंतु आपको आनी चाहिए। अभी तक आपको नहीं आई है तो आ जाएगी। यहाँ पर जो सवाल आज हम बताएंगे ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो है भाषा वाली सवाल है। इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर हम लगा देंगे, क्वेश्चन लिखने में बोर्ड पर ये पूरा आ जाएगा ज्यादा, इसलिए जगह काफी रहे सवाल बताने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लगा देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु जो है वो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर सकती, कितना तैर सकती है? 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो इसके उसी मतलब उसकी जो है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बात ये बोलिए, ऋतु की जो चाल है वो बता रहे हैं कि धारा के अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रही है। एक बात हमें इसमें दिमाग में बैठाना है, इधर जो है एक धारा बह रही, नदी की धारा इधर बह रही, ये आपका अनुकूल हो गया। क्या हो गया? अनुकूल, धारा की तरफ चल रहा है। अब बताइए धारा के पानी की ही तरफ चल रहा है, तो वो उसकी चाल जो है बोल रहे हैं कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है। ये 2 घंटे में ये क्या चलेगी? 20 किलोमीटर चलेगी। 2 घंटे में कितना? 20 KM चलेगी। लेकिन अगर इसको इधर से इधर आना हो, प्रतिकूल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिकूल, इसके प्रतिकूल चलेगी। ये बोल रहे हैं कि 2 घंटे में ये 4 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी? 4 किलोमीटर। तो यही सवाल को हमें समझना है। अब बोला जाए कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, अगर ये जल बहता ना रहे केवल खड़ा रहे ये जल, तो ये जब चले यहां से यहां तक, तो दिमाग लगाइए कि कितने में चलेगी इसको। तो उसमें हमें इसकी चाल बतानी है, किसके? ऋतु की चाल भी बतानी है और धारा की भी चाल बतानी है, दोनों की हमें चाल बतानी है, बस यही। ठीक है, अब बताइए। वैसे भी आप समझे, जब इधर पानी की तरफ कोई जाएगा, आप ही पानी की तरफ तैरेंगे तो क्या होगा? स्पीड में चलेंगे ना, जितना आप तैर नहीं रहेंगे उससे ज्यादा तेज चलेंगे, क्योंकि पानी स्पीड पानी की जो चाल है वो चलेगी, और साथ ही साथ आप भी कुछ कर रहे हैं तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, तो दोनों क्या होगी? बढ़ेगी चाल। और इसका अगर विपरीत चलते हैं तो आप चाल लगाए, मान लीजिए 4 की स्पीड से आप चल रहे हैं और जल भी आपके विपरीत में जा रहा है, तो आपकी चाल को कुछ कम करेगा, 4 की जगह 3 करेगा, इस तरीके से आपकी 3 की चाल हो जाएगी। और उधर आप पता चला आपकी 6 की चाल चल रहे थे जब जल की तरफ जा रहे, तो इधर 3 उधर 6। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, तो बह रहे जल बहेगा ही नहीं, तब आप कैसे तैरोगे? तो कितना में चलेगा? एकदम सीधा सा फंडा है, भी सवाल लगा लेंगे तो समझाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले जो पूछा जाता है उसको हम मान लेते हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि चाल ऋतु की और धारा की, तो हम दोनों की मान लेते हैं। दोनों की माना स्थिर में ऋतु की चाल, माना ऋतु की चाल माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, क्योंकि वही पूछा है। पहले ऋतु की चाल हम मान लेते हैं। ऋतु की चाल कितना है? x किलोमीटर। कितना मान ले रहे हैं? x x किलोमीटर, सॉरी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई इसकी चाल। और धारा की चाल अगर हम देखते हैं तो धारा की भी चाल मान लेते हैं। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। दोनों की चाल हमने मान लिया। धारा के अनुकूल चाल देखते हैं। देखिए ये तो नॉर्मल चाल है, ये कौन सी चाल है? जब धारा बहेगी नहीं तब की चाल है। अगर अब धारा बह रही है तो जब धारा बहेगी तब उसके अनुकूल चाल देखते हैं और प्रतिकूल चाल देखते हैं। ठीक है, तो दोनों की हम चाल देखते हैं। मतलब अगर आपका जब अस्थाई है जल, तब आदमी जो ऋतु है वो इतनी चाल से चल रहे हैं और वो जल जो है वो इतनी चाल चल रहा है, जब धारा में नहीं बह रहा। अरे थोड़ा बहुत धारा चाल उसकी तो रहती है, पानी में वही चाल है, ये वाई के है वो इधर। अब धारा की तरफ जब चाल चलेगी तब हमारा बोला जा रहा है कि दोनों की चाल के हमें धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। देखिए धारा के अपन अनुकूल चल रहे हैं तो आपकी भी चाल और जल की भी चाल, दोनों की चाल जुड़ेगी, चाल बढ़ेगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की चाल ऐड कर देंगे, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी। अगर इसी तरीके से हम धारा के प्रतिकूल चले, कौन सा प्रतिकूल?
धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, तो क्या हो जाएगी? इसमें घट जाएगा दोनों, क्योंकि विपरीत में चाल रहेगी। ठीक, ये हो गया। तो धारा के अनुकूल जुड़ गया, धारा के प्रतिकूल घट गया। क्यों घट जाएगा? कि धारा इधर से चल रही है, उधर से आ रहा है, दोनों को घटेगा। मैंने पहले ही बताया था, ये दोनों की चाल हो गई। उसके बाद जो है हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा जो फंडा कहता है, पहले हम उसको दिमाग में बैठाते हैं कि जो सवाल पूछी जाती है कि इसकी चाल इतनी है, इसकी चाल इतनी है। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला होता है समय बराबर। क्या होता है? समय बराबर कि आखिर समय कितना लग रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, दिमाग लगाइए। यही तो पहली कंडीशन में हम चलते हैं। किस कंडीशन में? पहली कंडीशन में यही बोल रहा है कि वो चल रहा है 20 किलोमीटर। कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर। वो देखिए 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर चलने में उसकी चाल वो किसमें है? अनुकूल में। अनुकूल की चाल जो है 20 किलोमीटर ये चल रहा है, कितने घंटे में? 2 घंटे में। और चाल उसकी अनुकूल की कितनी है? इतनी है। मतलब एक्स प्लस वाई की चाल से चलेगी। ये हो गया दूरी 20 और चाल हो गया इतना, और समय कितना हो गया? 2 घंटे। तो समय कितना लगा? 2 घंटे। ये तो हो गई ये वाली चाल। ठीक है, अगर हम इसको हम हल करते हैं कि ये इधर जाएगा इधर जाएगा, सारे सिस्टम से करते हैं, तो एक्स 20 हो गया और बराबर आपका ये इधर गया, तो 2x 2y ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो इसका बटा एक मान के 2 से इसको काट दें, नहीं तो अभी कटेगा बाद में कटेगा। तो आपको ये नहीं करना है कि इसको आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको काट लीजिए। क्योंकि ये 2 इधर जाएगा इधर जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 10, तो 10 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सीधी बात, इसको हम पलट के लिखेंगे। क्यों इधर से लिखेंगे, क्या जरूरत है? एक्स प्लस वाई मान लो ये इधर ही गया परंतु ऊपर गया, और ये 20 आपका कट जाएगा तो आ जाएगा 10। इस तरीके से हमारा समीकरण 1 तैयार हो। सेम ऐसे ही दूसरे से प्रतिकूल में देख रहे हैं, तो 4 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में। 4 किलोमीटर जाए, प्रतिकूल की चाल ये है एक्स माइनस वाई बराबर कितने घंटे में? 2 घंटे में। अब इसी तरीके से अगर 2 से इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 इधर लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं इधर हम एक्स वाई लिख देते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 2 × 2 × 4 बराबर 2 के बराबर कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 2 बन गया, एक और समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों में देखिए विलोपन दिशा लगा रहे हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसका बराबर 10, इसका बराबर 2, माइनस घटाएंगे नहीं तो इसको जोड़ना है ना, तो एक्स एक्स हमारा जुड़ गया 2x, इसे कट गया, ये 2 2 10 2 12 हो गए। एक्स बराबर कितना आ गया? 6, 2 1 2 6 12। एक्स का मान समीकरण 1 2 में किसी में रख, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कोई भी मान लीजिए, यहाँ पर है एक्स, तो यहाँ पर 6 रख देते हैं, प्लस वाई बराबर 10, तो ये हमारा हो जाएगा। वाई इधर छोड़ दें, 6 इधर लेके चला जाओ, तो वाई बराबर हो गया 10 प्लस माइनस 6, तो वाई बराबर कितना निकल गया? वाई बराबर 4। वाई बराबर कितना निकल गया? 4। एक्स बराबर 6, वाई बराबर 4, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया यहाँ पर, ये एक्स बराबर हमारा आंसर आ जाता है कितना? एक्स बराबर आ जा रहा है हमारा 6 और वाई बराबर आ जा रहा है 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए दिमाग में बैठ गया, बेचारे को उधर चल रहा था तो 20 चाल लग रही थी। क्यों लग रहा था? 20 किलोमीटर चला जा रहा था क्योंकि उसकी जो चाल थी वो ज्यादा थी, वो हमारी दोनों की चाल ऐड हो रही थी। दोनों की चाल ऐड होगी तो 6 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा में चलेगी, तो 10 × 2 = 20 किलोमीटर चलेगी। देखिए इसको हम मतलब सही करके देख रहे हैं कि हमारी सवाल सही है कि नहीं। ये बोल रहा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाना है, तो ये देखिए 6 4 10, दोनों की चाल ऐड होगी तो 10 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी। अगर इसको विपरीत में चलेगी, विपरीत में चलेंगे तो 6 और 4 घटेंगे, 2 बनेगा कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिर है, सवाल सही है, मतलब गलत नहीं हो सकती। तो
तो इस तरीके से आपको लगाना है, जहां कहीं भी इसमें दिक्कत हो तो आपको कमेंट कर देना है। हमने इसमें के दो सवाल ले लिए हैं और दोनों सवाल आपको बता दिए हैं, चैनल पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, इन स्क्रीन पर जरूर मिल जाएगी। अगली सवाल हमारी आयतन और क्षेत्रफल संबंधी सवाल लेकर आएंगे, 2-3 सवाल इसमें लगवा दें ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम जो पूछे जाने हैं, और सांख्यिकी के सवाल बहुलक माध्यिका समांतर माध्य डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे सेकंड चैनल को, उस पर भी वीडियोज आपको लेकर आते रहेंगे। जैसे ही छुट्टी रहेगी एग्जाम में, जब जैसे छुट्टी होती है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ आपको कैसे यूट्यूबर बनना है, आपको कैसे सारी चीजें करना है, आपको कैसे मोबाइल कंप्यूटर के जानकार बनना है, वो सारी चीजें वहाँ पर सिखाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऐप, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, सारी चीजें वहाँ पर समझाते हैं। तो जरूर ज्वाइन करिए और यहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर PDF वगैरह सारी चीजें देते रहते हैं आपको प्रॉफिट।